गॉर्जियस लेडीज़, वेलकम टू गॉर्जियस वाइंस। और आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो भी होने वाली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी हमारे पास ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं, जैसे कि साड़ीज़ होती हैं, अनारकली सूट होते हैं, सूट होते हैं और साथ साथ लहंगा भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, उन ट्रेडिशनल ड्रेस को हम मॉडर्न तरीके से कैसे पहन सकते हैं जिससे कि वो आउटफिट हमारे ट्रेंडी भी दिखें और हम पहनने के बाद फैशनेबल और स्टाइलिश भी लगें और साथ ही साथ आज का जो ट्रेंड है उसके साथ भी हम चल पाए। तो फ्रेंड्स, हमारे वार्डरोब में भी कुछ ऐसे ट्रेडिशनल ड्रेस ज़रूर होते हैं जिसको हम आज भी पहनना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर किए जाएंगे जिसको फॉलो करके आप अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस को मॉडर्न तरीके से वियर कर सकती हैं और ट्रेंड के साथ चल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, टॉपिक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि आज की वीडियो हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारी साड़ियाँ रखी होती हैं, सूट रखे होते हैं और लहंगे, लेकिन हम उनको अलग अलग तरीके से पहनना भी चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने आइडिया है यहाँ पर रखा हुआ है वो है कि साड़ी को धोती स्टाइल में पहने। जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल साड़ी को धोती स्टाइल में पहनने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो आप चाहें तो इसको अपने आप धोती स्टाइल में वियर कर सकती हैं, अदरवाइज़ इनको आप स्टिच भी करवा सकती हैं। धोती स्टाइल में साड़ियाँ स्टिच भी होती हैं और साथ साथ आती भी हैं। तो फ्रेंड्स, इनको आप एक अच्छे से बेल्ट लगा के धोती स्टाइल में वियर करेंगी तो आपकी जो साड़ी है बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल लगेंगी, आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगेंगी और आपका जो लुक है वो ट्रेंड में रहने वाला लुक बन जाएगा। आपने बहुत सी सेलिब्रिटीज़ को भी इस तरह के लुक को फॉलो करते हुए देखा होगा, क्योंकि ये स्टाइल अभी बहुत ज़्यादा इन में है। तो फ्रेंड्स, एक बार अपनी साड़ी को धोती स्टाइल में वियर करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपके जो लुक है उसमें लग जाएंगे चार चांद और आपका जो स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग होने वाला है। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं बात करूँगी कि साड़ी को अपने किसी लेगिंग के साथ या पैंट के साथ पहने, और आजकल तो शरारा जो आते हैं उनके साथ भी साड़ी को पहनने का ट्रेंड है। तो अगर आप भी साड़ी में स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो अपने किसी एक लेगिंग के साथ या सुंदर सी पैंट के साथ या शरारा के साथ भी अपने साड़ी को पेयर करके देखिए। यकीन मानिए, ये लुक भी बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगने वाला है। आजकल गर्ल्स बहुत ज़्यादा इस लुक को फॉलो कर रही हैं, इस तरह से साड़ियाँ पहनना गर्ल्स को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक स्टाइलिश लुक ऐड करता है और गर्ल्स के ऊपर ये साड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहती हैं कि भीड़ से कुछ हट कर दिखें, तो एक बार पैंट के साथ या लेगिंग के साथ या शरारा के साथ अपनी साड़ी को स्टाइल करके ज़रूर देखिए, आपका लुक वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगली बार अगर आपको कहीं जाना हो तो इस लुक को ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद नेक्स्ट जो टिप है वो है, लहंगा को डिफरेंट डिफरेंट स्कर्ट से करें रिप्लेस। जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल आपने देखा होगा कि मार्केट में तरह तरह के स्कर्ट्स आ रही हैं, तो लहंगा पहनने के बजाय आप उन स्कर्ट्स को वियर कर सकती हैं। अलग अलग स्कर्ट का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस में जो स्कर्ट आती हैं उनको आप लहंगे की जगह ट्राई करें और उससे जो आपका लुक आएगा वो बिल्कुल मॉडर्न आएगा, आपकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो भी मॉडर्न टच में बदल जाएगी और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्री फील करेंगी, स्टाइलिश फील करेंगी। तो फ्रेंड, मार्केट में एक बार ज़रूर देखिए कि इस टाइम पर किस किस तरह की स्कर्ट अवेलेबल है। एसिमेट्रिकल जो स्कर्ट आती हैं उनका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो अगर आप चाहें तो आप भी इनको ट्राई कर सकती हैं। और आने वाले समर में अगर कहीं वेडिंग में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, तो इस लुक को ज़रूर आप ट्राई कर सकती हैं और स्टाइलिश दिख सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टिप है वो है कि लहंगा के साथ आप पेपलम टॉप पहनें। जी हाँ फ्रेंड्स, लहंगे के साथ सिंपल ब्लाउज़ पहनने के बजाय या चोली पहनने के बजाय आप इस टाइम पे पेपलम टॉप को अगर पहनेंगी तो आपका लुक बहुत ज़्यादा मॉडर्न आएगा, आपका लुक स्टाइलिश लगेगा और आप लगेंगी भीड़ से बिल्कुल अलग और आपकी ट्रेडिशनल ड्रेस भी बन जाएगी मॉडर्न ड्रेस।
तो फ्रेंड्स, इस तरह के पेपलम टॉप को आजकल गर्ल्स साड़ी के साथ भी वियर कर रही हैं, तो आप चाहे तो इसको लहंगे के साथ भी वियर करके देखिए। यकीन मानिए, आपका लुक एकदम से चेंज हो जाएगा और आपका जो पुराना लहंगा है, ट्रेडिशनल लहंगा है, उसका लुक भी एकदम मॉडर्न आ जाएगा और आप लगेंगी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश। तो ट्राई ज़रूर करें। इसके बाद है कि साड़ी को बेल्ट के साथ ट्राई करें। जी हाँ फ्रेंड्स, ये लुक तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्राई किया जा रहा है। आप भी चाहें तो आप भी अपनी किसी साड़ी को बेल्ट के साथ ट्राई करके पहनिए। यकीन मानिए, ये लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आपकी ट्रेडिशनल ड्रेस जो कि साड़ी आपके पास रखी है, जब उसको आप अलग अलग तरीके से बेल्ट के साथ वियर करती हैं तो अपने आप ही एक मॉडर्न टच ले लेता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम अगर आप साड़ी पहनना पसंद करती हैं तो उसको तरह तरह की बेल्ट के साथ एक बार ट्राई करके देखिए। आपका लुक स्टाइलिश भी आएगा और मॉडर्न भी लगेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो है अनारकली सूट के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अनारकली सूट पहनना पसंद करती हैं तो अनारकली सूट को पहनते टाइम उसके साथ बेल्ट को ट्राई कीजिए। जब आप बेल्ट ऐड करती हैं अपनी साड़ी में या अनारकली सूट में या सिंपल सूट में, तो वो अचानक से ही एकदम मॉडर्न लुक ले लेता है। तो आपके पास भी अगर कोई अनारकली सूट रखा है तो उसको आप नेक्स्ट फंक्शन के लिए एक बार बेल्ट के साथ ट्राई करके देखिए। आपका लुक बिल्कुल अपने आप ही चेंज हो जाएगा और आपकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है अनारकली सूट, वो मॉडर्न ड्रेस में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसको भी आप ट्राई करके देखिए। और समर्स में आजकल जो वेडिंग्स होंगी उसमें आप कोई शिफॉन की या जॉर्जेट की अनारकली के साथ भी इस तरह की बेल्ट ट्राई कर सकती हैं, जो कि बहुत ही शानदार लुक देने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी नेक्स्ट टिप। इसके बाद है शर्ट के साथ लहंगा ट्राई करें। जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल अपने जो लहंगे रखे हुए हैं, आपके ट्रेडिशनल जो लहंगे रखे हुए हैं, उनको शर्ट के साथ वियर करने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो आप चाहें तो आप भी अपने किसी लहंगे को निकालिए और शर्ट के साथ पेयर कीजिए और उसके साथ पेयर कीजिए साथ में सुंदर सी ज्वेलरी, बस आपका मॉडर्न लुक तैयार है। तो आजकल गर्ल्स इस तरह के लुक को बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हैं। इस तरह का लुक ट्राई करने के लिए आप चाहे तो सैटन की शर्ट ले सकती हैं या हल्के से सिल्क फैब्रिक की शर्ट भी ले सकती हैं, जिससे कि आपके लहंगे के साथ बहुत अच्छी मैचिंग बन जाएगी और ट्रेडिशनल जो ड्रेस है आपकी, वो मॉडर्न ड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी नेक्स्ट टिप। इसके बाद जो टिप है वो है साड़ी के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप समर के जब सीजन में वेडिंग में जाएं, किसी फंक्शन में जाएं, किसी पार्टी में जाएं, तो इस बार अपनी साड़ी के साथ ट्राई कीजिए श्रग को। जी हाँ फ्रेंड्स, समर के लिए आप नेट के फैब्रिक के भी श्रग बनवा सकती हैं या टिश्यू फैब्रिक के भी श्रग बनवा सकती हैं और इससे आपकी साड़ी का लुक जो आएगा बिल्कुल अलग ही आने वाला है। लाइट फैब्रिक की अगर आप साड़ी ले रही हैं, प्लेन साड़ी ले रही हैं, तो उसके लिए आप एम्ब्रॉयडरी वाला श्रग भी पहन सकती हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप अपनी साड़ी के साथ श्रग को पहनती हैं तो इस तरह से जब आप ड्रेसअप होंगी तो आपका लुक अचानक से ही मॉडर्न लगेगा। तो इसको भी आप ट्राई ज़रूर करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो नेक्स्ट टाइम इसको फॉलो करते रहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आपको कोई भी टिप पसंद आई है, कोई भी आइडिया पसंद आया है, तो फॉलो करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इस तरह की यूज़फुल वीडियोस मिलती रहती हैं। अगर आपने पहले इस चैनल पर वीडियोस विजिट नहीं की हैं तो ज़रूर देखिए और अगर कोई भी वीडियो अच्छी लगे, आपका कोई भी प्यारा सा कमेंट हो तो ज़रूर कीजिए और कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर दीजिए और अगर किसी स्पेशल टॉपिक पर आप वीडियो चाहती हैं तो वो भी ज़रूर बताइए, उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी वीडियो। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करने के बाद खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और चैनल के साथ इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए।